सौरभ जैन के सलीम बनने की कहानी। जी हाँ, हैरान और परेशान करने वाली ये कहानी है और इसके पिता ने जो खुलासा किया है वो तो और ज्यादा हैरत अंगेज है। सौरभ इस्लाम कबूल करने से पहले संघ की शाखाओं में जाया करता था और तो फिर ऐसे में क्या हुआ कि संघ की विचारधारा वाले ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या संघ धर्म का ज्ञान देने में सफल नहीं हो पाया जो कि सौरभ सलीम बन गया। हिजब उत तहरीर के कट्टरबंदी मोहम्मद सलीम और उसकी पत्नी मानसी उर्फ सुरभी जैन के इस्लाम कबूल करने की दास्तान झकझोर देने वाली है। सलीम उर्फ सौरभ के पिता अशोक जैन राजवेद का कहना है कि 12वीं तक तो सौरभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाता था। पीएचडी करने के बाद सौरभ कॉलेज में पढ़ाने लगा। यहीं से शुरू हुई उसके सलीम बनने की कहानी, सलीम उर्फ सौरभ की मुसलमान बनने की कहानी। इस्लाम को भी जब स्वीकार करूंगा, जब मुझे जचेगा। जैन धर्म को पढ़ता था, सबको पढ़ता था, सब धर्मों को पढ़ता था। पता नहीं कैसे कहाँ क्या हो गया, अचानक 2012 में वो जो है बिल्कुल परंपरावादी हो गया, ट्रेडिशनल इस्लामिक हो गया और जाकिर नायक की तारीफ करता था। तो मैं जाकिर नायक, इसको बुरा लगेगा इसलिए मैं कोई बात नहीं करता। कमाल ने सौरभ का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। इसके बाद सौरभ जाकिर नायक के वीडियो देखने लगा। सौरभ जाकिर नायक से मिलने मुंबई पहुंचा। मुंबई में ही उसने नाम बदलकर सौरभ से सलीम रखा। फिर पत्नी मानसी भी रायला बन गई। बेटे अनुनय और वत्सल का नाम बदलकर यूसुफ और इस्माइल रखा। हिंदू त्योहारों रीति रिवाजों से दूर होता गया सौरभ। बहनों से राखी बंधवाना तक बंद कर दिया। पिता ने नाराज होकर सौरभ उर्फ सलीम को घर से निकाल दिया। सौरभ का परिवार से नाता लगभग खत्म हो गया, लेकिन उसकी माँ जरूर उसके संपर्क में थी। अब सवाल ये कि संघ से जुड़े सौरभ ने आखिर क्यों इस्लाम की राह पकड़ ली, जबकि संघ में तो सालों से सनातन धर्म को मजबूत बनाने के लिए समाज सेवा का काम कर रहा है। क्या संघ की शिक्षा सौरभ को सलीम बनने से नहीं रोक पाई, या फिर इसके पीछे कोई खतरनाक कहानी है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहूंगा, विशेषकर नरोत्तम मिश्रा जी से, कि डीआरडीओ का जो पाकिस्तानी जासूस प्रदीप कुरुलकर पकड़ा गया है, उसका निर्माण भी संघ ने ही किया है। और मैंने तो आज उनका वीडियो डाला है, मोहन भागवत जी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं वो। सौरभ से सलीम बने व्यक्ति भी 12 साल की 12वीं कक्षा तक आरएसएस में थे और उनके पिताजी ने कहा है उस सो कॉल्ड सलीम के कि 9 साल पहले मैंने पुलिस को बता दिया था। तो क्या पुलिस इस चुनाव का इंतजार कर रही थी या गृहमंत्री जी चुनाव का इंतजार कर रहे थे? देखिए, जो लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं वो इसी प्रकार से संघ को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। खुद सौरभ के पिता जो सलीम बन गया, उसके पिताजी ने इस बात को स्वीकारा है कि किस तरीके से कॉलेज के एक प्रोफेसर डॉक्टर कलाम ने उसे बहकाया, जाकिर नायक का वीडियो दिखा दिखा के उसका ब्रेन वॉश करने का काम किया। और ये जो व्यक्ति है जिसको आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाकर गिरफ्तार किया गया है, जो ये सलीम है, उसने खुद अपने वीडियो में इस बात को स्वीकारा है कि वो ब्रेन वॉश की प्रक्रिया को आगे अपने परिवार वालों के साथ भी अपनाना चाहता था, आसपास के समाज के साथ अपनाना चाहता था। अब सवाल यह है कि सौरभ पैसों के लिए मुसलमान बना या फिर उसका किसी बड़ी साजिश के तहत धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन राष्ट्रवादी सोच वाले संगठन के साथ काम करने के बाद भी उसका धर्म बदल लेना वाकई चौंकाने वाला है। भोपाल से सनी मालवी की रिपोर्ट।